देखो नाजरीन यो मन्ने काट दिया इसमा पे, यो देखो हो गई यो हो गई यो मन्ने इसमा पे, यो देखो यो देखो नाजरीन यो हो गई यो थोड़ी सी होर हो ले फिर काट दांगे इन्हां नू, यो टुकड़ी पर कर इस पर यो टुकड़ी ले आगा, यो देखो यो नाजरीन यो देख लियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन क्या हाल है, ठीक है तुसी? सेहत तबीयत ठीक है? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। नाजरीन मैं अम्मी का किचन लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुई हूँ। मैं आज आपके वास्ते बनाऊँगी बेसन की खंडलियाँ। वो सुना होगा नाम, लेकिन ये कि किसी नु पता किसी नु नहीं पता, मैं बेसन की खंडलियाँ बनाऊँगी नाजरीन थारे वास्ते इंशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ करना बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये मेरी अम्मी की खास रेसिपी है नाजरीन, तो ये इस करके ये आप बनावांगे तो आपने इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। जिसके वास्ते नाजरीन हमने चाहिए चीज़ें 2 कप बेसन, और ये प्याज हैं, ये 2 दफ़ा मसाला बनेगा इसका। इसमें तो आधे प्याज अब डाल देंगे, आधे फिर डालेंगे। उसके बाद है जी टमाटर है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2-2 जगह डलेगा सारा कुछ। तो यो देखो ये लाल मिर्चा, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, ये और नमक, ये मसाले में डलेंगी चीज़ा, ये बाकी दूसरी उसमें डलेंगे, उसके अंदर फिर मिर्चा और हल्दी और सूखा धनिया मज़ीद डलेगा, ठीक है नाजरीन। तो थोड़ी सी दही भी डलेगी इसके अंदर। तो आए नाजरीन शुरू करा। इसके वास्ते हमें चाहिए मैदा, बेसन, ये हम बना लेंगे इसका मसाला। ये देखो ये मैं ऑयल ले रही हूँ, पहले हम इसका मसाला बना लेंगे नाजरीन। मसाले के वास्ते हमें चाहिए प्याज, ये मैंने प्याज पा दिए इसके अंदर। ये मैं मसाला बनाऊंगी पहले नाजरीन। आज प्याज मेरी बेटी ने काटे सही मोटे मोटे काटे, मैं आज बच्चों को किधर काटने आवा प्याज, मैंने कहा आज तू प्याज काट दे, उसने प्याज देखे थे मोटे मोटे काटे थे, और मज़े की बात है मैंने देखे भी नहीं, मैंने ये भी ही देखे। चलो खैर ये सही हो जाएंगे। ये देखो नाजरीन यो मेरे प्याज जो उनसे हैं ये ब्राउन, लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो नाजरीन इसके अंदर ही हम पा देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चा के साथ कुटा हुआ। ये लहसुन अदरक जो सा मैंने पाया, ये थोड़ा सा ये भी हो गया सेट, ये देख पक गया थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर पाऊंगी टमाटर, पा दिए मैंने अजय। ये देखो मेरा ये टमाटर अच्छे से भुन गया मसाला, अब हम पावांगे इसमें मसाले। ये देखो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, ये नमक, ये 3 मसाले पावांगे हम इसके अंदर। ये देखो अरे इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी का पा देंगे, और इसको ताकि ये हमारा अच्छा सा मसाला भुन जाए, सारे प्याज अच्छी तरह मर जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ये मैं अब वो मसाला मैंने रख दिया पकने के वास्ते, तो नाज़रीन हम ये मैं जो बेसन है इसको मैं घोल लूँगी इसके अंदर। इसको हमने इस तरह डालना ना इसके अंदर पानी कि ये गाढ़ा गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये 1 कप डाल के नाजरीन ये जो बेसन है ना ये इसको ना ज़रा ना हमने रखना ज़रा गाढ़ा, पतला नहीं करना बहुत ज़्यादा कड़ी की तरह। ये देखो अभी इसके अंदर डल जाएगा थोड़ा सा पानी, ये देखो इसके अंदर हम थोड़ी सी पा देंगे दही। दही के साथ इसका ज़रा जायका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा।
नाजिन, तो जब हम उसका मसाला बन जाएगा ना, उसके मसाले के अंदर भी ये दही शामिल करेंगे, दो एक दो चम्मच, एक दो चम्मच इसके अंदर, एक दो चम्मच उसके अंदर। बिस्मिल्लाह। नाजिन ये देखो मैंने ये प्याज रख दिए हैं दूसरा मसाला बनाने वास्ते, तो ये प्याज इसके हमने सिर्फ कच्चापन दूर करना, जो ब्राउन नहीं करना ताकि ये इसके अंदर नज़र ना हो। अच्छा थोड़ा सा ये कच्चापन दूर होएगा ना, फिर इसके अंदर हम पा देंगे ये देखो टमाटर का कच्चापन सा दूर हो गया ये ज़रा, ये इसमें हम ये सारे ये देखो ना, सुरख मिर्च, हल्दी एक चम्मच सुरख मिर्च, एक आधी चमची हल्दी, सूखा धनिया कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई दड़ा मिर्च और ज़ीरा और नमक, ये हम सारे मसाले इसके अंदर खाते हैं। ये पानी डाल दिया इसके अंदर मैंने, ये देखो नाजरीन ये देखो मैंने ये इसके अंदर सूखी मेथी कसूरी मेथी वो पाई है, तो ये मेरा मसाला बन गया। ये देखो ऐसा ही मसाला बन गया, अब हम इसके अंदर ये बेसन पाएंगे, इसमें ना फिर पाने भी ना फेरते रहना क्योंकि ये फौरन गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जाओ ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा जोर आजमाई का काम है, इसकी आँच हम बहुत कम कर देंगे, कम आँच के ऊपर इसमें, ताकि बेसन का कच्चापन सारा निकल जाए। सुनो इस तरह पका दे लेंगे, ये देखो गाढ़ा होना शुरू हो गया बेसन ना जी, ये देखो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसमें बस मुसलसल फेरते रहना है, तो बड़े तरीके से ये देखो नाजरीन इसकी ये शक्ल हो गई है, अले भी ये इसने पकना है, इसने और मज़ीद गाढ़ा होना है। ये बड़ी मेहनत का काम है नाजरीन, कोई नहीं लो आजकल के बच्चे जो है ना वो मेहनत नहीं करती हैं, बच्चियाँ मेहनत वाली हांडियाँ नहीं पकानियाँ, सीधियाँ सीधियाँ बस चिकन पका लिया, चिकन में ज़रा मेहनत घट हो, बाकी ये जो चीज़ें हैं इन्हें मेहनत ज़्यादा ही है, हमने अपनी अम्मी से सीखे हैं सारे, मेरी कोशिश है कि मेरी बच्चियाँ भी सीखा, लेकिन वो नहीं इतना तवज्जो नहीं देंगे। ये देखो नाजरीन ये इसका ये कंडीशन हो चुकी है, ये देखो अब हम इसमें नीचे उतार नाजरीन, अब हम इसके अंदर लगाएंगे ऑयल, ये जो ट्रे है ट्रे के अंदर हम ऑयल लगा लेंगे, ये देखो नाजरीन इसके अंदर हम पानी पाके ना इसमें चूल्हे पे चढ़ा दें, थोड़ा सा ये देखो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है इसके अंदर पे, इसमें सारे ना हमने वो करना सेटिंग करनी है, ताकि ये बिल्कुल बिल्कुल इसकी तय लगानी है। ये देखिए नाजिन मैंने ये मसाला इसका बना लिया, बहुत अच्छा सा मसाला बन गया, ये भी इसके अंदर नाजिन हम ना थोड़ी सी ना ये दही शामिल कराएंगे इस मसाले के अंदर, ये नाजिन ये देखिए इसका मसाला बन गया, अभी हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ये वही पानी इसके अंदर हमने खंडलियाँ बनाई ना वो मैंने पानी डाल के ये मैंने बना लिया था, ये देखो ये इसका हम छोरा लगा लेंगे, थोड़ी देर हम लगा देंगे दम पर, तो हैं ये हमने काट ली है खंडलियाँ, ये इसनों जो सी मर्जी शेप दे दो तुसी,
ये थोड़ी थोड़ी इनकी तलाई करेंगे इसके बाद। अगर आपकी मर्जी है तलाई करनी कर लो, अगर नहीं करनी, नहीं पसंद इतनी तो ना करो, लेकिन ये अगर तलाई कर लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। ज़रा ये इसमें दूसरा कट लगावेंगे हम। ये देखो कितनी अच्छी है, ये बस थोड़ा थोड़ा सा करना है ना, इसके बाद फिर इन्होंने निकाल लेना प्लेट के अंदर। इसका ये है ना कि ये शोरबे में जाके टूटा ना, अवल तो नहीं टूटेंगी लेकिन फिर भी चलो, अगर ये वैसे भी ना इसका ये ज़रा लेयर सी आएगी ना जो, ये बड़ी मज़े की लगाया। ये ज़्यादा नहीं करनी सख्त ना, ताकि ये सख्त ना हो जाए, बस इस तरह की नरम सी। ये देखो नाज़रीन, ये देखो ये हमारा शोरबा बन गया, ये देखो पक गया। अब हम इसके अंदर ये खंडियाँ शामिल कर देंगे। ये देखो 2 मिनट वास्ते दम पर लगावेंगे। मैं डाल दूँगी अब पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें गरम मसाला चला गया, मेथी और धनिया मैंने पा दिया था मसाला भुनने, बस इसमें सिर्फ 2-5 मिनट के दम की ज़रूरत। फिर मैं नाज़रीन आपको डिश में निकाल के दिखाऊँगी ने क्या किया है। चलो ये देखो मैंने दम खोला, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ बन गई है, ये कितनी अच्छी शक्ल आई है इसकी। अब मैं अपने डोंगे में निकाल के दिखाऊंगी। नाज़रीन ये मेरी खंडलियाँ बनके तैयार हो गई हैं, ये देखो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, शक्ल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो इंशाल्लाह थमनू पसंद आवेंगी। याद करना तो मेरे वास्ते सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन दबाना और दुआ में याद करना। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।